तो आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो लास्ट व्लॉग में काफ़ी लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, उसे काफ़ी लोग ने देखा था और बोला था कि एक और व्लॉग बनाएं जिसमें आप और अच्छे से चीज़ें को बताएं कि कैसे सब काम करते हैं। तो अब हमारा क्लाउड किचन, लास्ट टाइम हम लोग जब शूट किए थे उस टाइम 5 बजे से स्टार्ट होता था शाम के, बट 1 महीने पहले से हमने 1 बजे, दोपहर के 1 बजे से क्लाउड किचन स्टार्ट कर दिया, जो कि दोपहर के 1 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक चलता है। तो पहले हमारे किचन में टोटल एक स्टाफ था जो कि बस पैकिंग के लिए रहता था। अभी इन टोटल हम लोग ने दो स्टाफ रखे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चिकन रेडी हो रहा है आज का सेल के लिए, और जब तक चिकन रेडी हो रहा है तब तक एक और ऑर्डर आ जाता है मटन करी का। तो 2 पीस मटन करी का ऑर्डर था, तो देखते हैं कि मटन करी अब बनना चालू होगा। दोपहर के 2 बज चुके हैं एंड यहाँ हमारा मटन करी बनना चालू हो गया है। तो मैं तब तक इसका बिल निकाल देता हूँ। तो चलिए बिल निकालने का प्रोसेस देखते हैं। तो ये रहा, यहाँ से मैं बिल निकाल के उस अपने पैकेट पे स्टिक कर दूँगा, इसे चिपका दूँगा। और यहाँ पे ब्लैक कंटेनर अपना, उसमें मटन करी हाँ डिलीवर होता है। तो ये तो हो गया पूरा मटन करी का। अब चलिए नेक्स्ट ऑर्डर आता है तब देखते हैं। तो बीच में एक साथ काफ़ी ऑर्डर आ गए थे तो मैं कवर नहीं कर पाया सब। तो अभी देख सकते हैं, एक लिट्टी चोखा और काले घुगनी का ऑर्डर है, और इससे पहले एक और ऑर्डर गया है वो भी मैं दिखा देता हूँ। 4 आलू पराठा और 1 लिट्टी चोखा, तो ये ऑर्डर अभी तक गए हैं। और स्विगी पे एक ऑर्डर अभी तुरंत रिसीव हुआ है जो कि टिकोना पराठा और चिकन लिवर भुना मसाला का है। तो ये तब तक किचन में प्रिपेयर हो रहा है, मैं इसका बिल निकाल लेता हूँ। तो ये प्रिंटर आप देख सकते हैं, ब्लूटूथ प्रिंटर है, 2000 के आसपास में मिल जाएगा आपको भी। तो ये काफ़ी अच्छा है बिल वगैरह निकालने के लिए, छोटे काम के लिए। और यहाँ पे हमारा जो पैकिंग करते हैं, अमृत नाम है इनका, ये अपना पैकिंग कर रहे हैं जोमेटो के लिए, जो कि ऑर्डर है काले घुगनी और लिट्टी चोखा का। तो ये अपना नीचे डिलीवर करके आ जाएंगे, तब तक मैं ऑर्डर रेडी कर दिया हूँ, देख सकते हैं आप। अब चलते हैं, मैं बाकी पैकिंग देख लेता हूँ तब तक। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बिल को स्टिक कर देता हूँ, मतलब चिपका देता हूँ। तो जब तक वो डिलीवर करके आता है मैं यहाँ पे पैकिंग कर लेता हूँ जो स्विगी पे ऑर्डर रिसीव हुआ है टिकोना पराठा का। तो मैं पहले बिल को चिपका लेता हूँ अपने प्लास्टिक पे, और उसके बाद सारे आइटम्स को एक एक करके उसमें डालते जाऊँगा। तो सबसे पहले पराठा डाला, उसके बाद फिर पहले टिशू डाल देता हूँ। टिशू, अचार, ये सब हम लोग एक्स्ट्रा में देते हैं, इससे काफ़ी अच्छा लगता है कस्टमर को भी। तो मैंने अचार भी डाल दिया। अब बाकी पैकिंग का है, वो डब्बा को सेलो टेप वगैरह लगाना पड़ता है ताकि लीक ना हो। तो ये सब करने के बाद मैं उसे अमृत को हैंड ओवर कर दूँगा और वो नीचे जाके डिलीवरी बॉय को दे आएगा। तो ऐसे ही हमारे घर से काम चलता है। अब यहाँ पे मैंने रेडी मार दिया है ऑर्डर को, देख सकते हैं आप भी, स्विगी का ऑर्डर मार्क फूड रेडी, और यहाँ पे अपना ऑर्डर रेडी हो गया। अब वो नीचे जाके सामान दे के आ जाएगा। और यहाँ पे मैं आपका बता रहा हूँ कि अभी तक हमने टोटल 9 ऑर्डर जोमेटो पे और 1 स्विगी पे डिलीवर कर चुके हैं, टोटल 10 ऑर्डर। मैं दिखा भी देता हूँ आपको। और अभी तुरंत एक और ऑर्डर रिसीव हुआ है जो कि लिट्टी चोखा सत्तू और आलू का है, देख सकते हैं आप। तो ये ऑर्डर अभी तुरंत रिसीव हुआ है जब मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये ऑर्डर मिला कि हमारे टोटल 11 ऑर्डर कंप्लीट हो गए आज के दिन के। तो चलिए अब किचन में देखते हैं। यहाँ पे मम्मी जो है वो लिट्टी का प्रिपरेशन कर रही हैं, और फिर अपना पैकिंग होगा, ये लिट्टी बन जाएगा उसके बाद पैकिंग में जाएगा। तो ऐसे ही करके फिर अमृत जाके उसको डिलीवर करके आ जाएगा। तो इस व्लॉग में मैंने आपको इतना ही दिखा पाया। अब फिर मैं आपको सीधा कैलकुलेशन में मिलता हूँ, जब मैं पूरे दिन का कैलकुलेट करूँगा कि क्या प्रॉफिट एंड सेल्स रहा, तब मिलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कल का क्या सेल्स रहा। तो मैं सेल्स ओवरव्यू पे डिटेल्स में जाऊँगा, और यहाँ पे आपको 16 जून ये यहाँ पे देख सकते हैं हमने 15 ऑर्डर डिलीवर किए। तो देखते हैं सेल्स क्या रहा था 16 जून का। तो बाकी दिन के मुकाबले देख सकते हैं काफ़ी कम था सेल्स,
2885 रुपये का सेल्स था, 2885, ये रहा था हमारे सेल्स का वैल्यू। तो 2885 के करीब हमारा सेल्स वैल्यू था जोमेटो में। अब चलिए स्विगी में देखते हैं। तो स्विगी में 3 ही ऑर्डर डिलीवर हुए थे, ये भी काफ़ी उस दिन अच्छा नहीं चला था स्विगी। तो 3 ऑर्डर की वैल्यू टोटल इसमें करना होगा, मैं बताता हूँ कितना है। तो वही तकरीबन 384-389 के करीब है, मतलब 3800 के करीब है। तो इस दिन काफ़ी कम ऑर्डर आए थे, आप देख भी सकते हैं कि नॉर्मल डेज़ के मुकाबले काफ़ी कम ऑर्डर है 16 तारीख में। तो ऐसे अप्रोक्स हम लोग का टेली का 5000 टच कर जाता है, नहीं तो एटलीस्ट 4500 ऐसे रहता है। बट उस दिन काफ़ी कम थे ऑर्डर, इसलिए 3800 पे रह गया था। तो अब देखते हैं 3800 में हमें कितना बचता है। काफ़ी लोग के क्वेश्चन रहते हैं कि 3800 आपका सेल्स है बट उसका प्रॉफिट क्या है। तो 3800 में से आप जोमेटो का डिडक्ट कर लेते हैं पहले। तो जोमेटो पे हमने किए थे 2885, 2885। इसमें से जोमेटो हमें सब कुछ लेके अप्रॉक्स 28% के तकरीबन कमीशन टैक्स सब लेके चार्ज करता है। तो 28% तो जोमेटो को चले गए, तो जोमेटो से हमें बचे 2077। अब इसमें रॉ मटेरियल कॉस्ट भी है, तो ऑन एन एवरेज हम लोग का रॉ मटेरियल आपका 40-60 के रेंज में रहता है, मतलब 40% का रॉ मटेरियल रहता है पूरे वैल्यू में, सेल्स वैल्यू में। तो जैसे कि हमारा 2077 का है अपना कमीशन काट के, तो इसमें से ही हम 40% अगर डिडक्ट कर ले तो अप्रॉक्स हमें पता चल जाता है कि कितना हमें प्रॉफिट बच रहा है। तो जोमेटो का बस मैं कर रहा हूँ, तो 2077 मुझे आया कमीशन काट के। अब इसमें मैं माइनस कर दूँगा 40% रॉ मटेरियल के लिए, तकरीबन 1250 रुपये हमें जोमेटो से बचा रॉ मटेरियल सब डिडक्ट करके। तो अब देखते हैं स्विगी से कितना बचा था। जोमेटो से 1250, मतलब 1250 के करीब हमें बचा। स्विगी पे हमने सेल किया था 950 का, 950। स्विगी चार्ज करते हैं 30%, एंड इसका रॉ मटेरियल भी हटाया जाए तो 400 रुपये हमें बचते हैं। तो इन सब का टोटल किया जाए तो 1650, मतलब 1650 ये हमारा नेट प्रॉफिट हुआ। इसमें से सब खर्चे हमने डिडक्ट कर लिए, पैकेजिंग वगैरह जो भी है वो मैंने मेन्यू में आइटम्स में ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है। अलग से मैं कोई पैकेजिंग चार्ज नहीं लेता हूँ, जो मेन्यू का चार्जेस है वही कस्टमर देते हैं, और उसी में सब पैकेजिंग मैंने इंक्लूड करके रखा है। तो यही था हमारे पूरे ब्लॉग का कैलकुलेशन, जो भी सेल्स हुआ था उस दिन। तो यही था हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें आपने पूरा डे टू डे ऑपरेशन को देखा कि कैसे क्लाउड किचन को ऑपरेट करते हैं। पहले वाले ब्लॉग में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था और लोगों ने कहा था कि एक और ब्लॉग बनाइए, हम देखना चाहते हैं कि क्या होते हैं पूरे दिन में आपके किचन में। तो मैं पूरे दिन का तो नहीं दिखा पाया इस बार भी, बट जितना हो सका मैंने किया था, मैंने पूरा ट्राई किया कि पूरे दिन का कवरेज करूं, बट ऑर्डर्स इतने आ जाते हैं कि फिर वो दिखाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं कुछ कुछ ऑर्डर दिखा देता हूँ एंड एंड में आपको सारा कैलकुलेशन शेयर कर देता हूँ। तो यही था हमारा पूरा दिन, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।